नमस्कार दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर हैं। और हम लोग की इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है, इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ चुका था कि सिंपल सेंटेंस में कि कौन सेंटेंस किस में बदलता है, कब नहीं बदलता, टेंस कैसे क्या रहता है। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जा सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एक चीज हम याद रखेंगे कि जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जो हमारा जब टेंस नहीं बदलता था, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता था, तो से या सेज को टेल या टेंस में बदल देते थे, सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे, उसी प्रकार अगली कड़ी में अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो जो है सेड टू को जो है हम आस्क्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे, ध्यान सुनिएगा, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं तथा कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम लोग कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर रहे थे। अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड से संबंधित हमारा सेंटेंस है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड उतार दिया जाता है। एक चीज और याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव में हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद वाले हम सेंटेंस को डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे कि हम समझ पाएंगे उदाहरण से, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा डू यू नो हर नेम, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि डू यू नो हर नेम, क्या तुम उसका नाम जानते हो, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू को क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इफ कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप वेदर कीजिए, जो मन हो मी इफ। उसके बाद हमने कहा कि जो ये हमारा सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, इसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं और सारी क्रियाएं हम 123 बटे सन के अनुसार करेंगे और जो टेंस जैसे बदला जाता है उसी प्रकार बदला जाएगा। तो डू यू नो, तब यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलेगा मी के अनुसार, यहाँ पे हो जाएगा इफ आई, उसके बाद डू है तो आई और उसके बाद फिर डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो नो, तो नो का क्या हो जाएगा आई न्यू हर, ठीक। तो चूंकि ये हमारा क्या है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज रहेगा, तो जो ये हर है हर का हम क्या लिखेंगे वही रहेगा हर न्यू, ठीक। ये हो जाएगा उसका इनका क्या किया हमने, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ का प्रयोग किया, उसके बाद वाले वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे अगला आई सेड टू को हमने बताया कि सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो आई आस्क्ड हिम, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और कब करेंगे, जब लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हो। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के लिए हम इसके पास चलेंगे तो आई, उसके बाद फिर है लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो आई हैव, तो आई हैड, नॉट लिखा हुआ है तो नॉट, वार्न्ड है तो वार्न्ड, फिर यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है इसके लिए इसके पास जाएंगे, हिम लिखा हुआ है तो वार्न्ड हिम, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर जो लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। जैसे अगला है फादर सेड टू अमित, तो फादर, अब सेड टू को हमको बदलना है, थोड़ा रुक जाइए आगे चलिए देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अर्थात इंट्रोगेटिव है, और अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड अमित, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके आगे वाले वाक्य को हम साधारण वाक्य बना के लिख देंगे, यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, अमित के अनुसार बदलेगा ही, उसके बाद डिड, क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो ही हैड नॉट, ठीक, ही हैड नॉट हियर, तो हियर का थर्ड फॉर्म हियर,
भाट, फिर आई फर्स्ट पर्सन के लिए फादर के पास जाइए, ही, उसके बाद टोल्ड यू, तो ही टोल्ड यू, तो आगे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड यू, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के लिए फिर अमित के पास जाएंगे, तो टोल्ड ही, ठीक, ये चीज है और ऐसे हम बदलेंगे। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। फिर आगे मदर सेंड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, वो आस्क्ड में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, मी काम रिलेटेड काम हटाने के लिए फिर वेदर का प्रयोग करेंगे, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे को ऐसे ही उतार देंगे, बिल तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड कम टू द पार्टी। फिर आगे देखिए, सी सेड टू मी काम रिलेटेड काम, मे आई बारो योर पेन, कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे आई बारो योर पेन, कृपया अपनी पेन हमको उधार दे दीजिए, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकती हूं, तो क्या हो जाएगा, सी यानी कि सी सेड टू का आस्क में बदल देंगे और मी काम रिलेटेड काम हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो इफ फिर आई फर्स्ट पर्सन इसके पास सी के पास, सी फिर मे तो माइट हो जाएगा, बारो योर, योर के लिए हम सेकेंड पर्सन हमारा किसके पास जाएंगे, मी के पास, मी का जो है क्या हो जाएगा आई, और आई का क्या होता है जो हमारा ये है क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट, माई पेन, ठीक, ये हो जाएगा। आगे मदर सेड टू हिम कम एंड कम आर यू स्लीपिंग, तो मदर सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, हिम काम एंड कम हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यू सेकेंड पर्सन यहां पे आएंगे, हिम लिखा है तो ही इज आर एम को वाज स्लीपिंग, ठीक, तो ये चीज है कि जब हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है वो चीज हमने देखा। अब आगे देखेंगे जब हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो, ठीक, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो तब आगे लिखा है कि जब हमारा इंट्रोगेटिव से स्टार्टिंग हो, ठीक, क्वेश्चन वर्ड में हमने ये देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो, क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि अगर व्हाट से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, हू से स्टार्ट हो, व्हाई से स्टार्ट हो, व्हिच से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो, हाउ से स्टार्ट हो, तब जो है उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसके लिए हम कामा यूनिट कामा हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देते हैं। दो चीज है कि पहला चीज तो सेड टू को हम आस्क में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव में भी बदलते थे, दूसरा चीज ये है कि कामा यूनिट कामा हटाने के लिए इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग रहेगा तो वही क्वेश्चन वर्ड जो है कामा यूनिट कामा हटाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जैसे इस ही से टू मी कामा यूनिट कामा व्हाट इज योर नेम, तो ही आस्क्ड मी और व्हाट लिखा है तो कामा यूनिट कामा हटाने के लिए यही व्हाट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सिंपल योर तो व्हाट इज योर नेम, तो इसका क्या हो जाएगा व्हाट फिर योर सेकंड पर्सन है तो माई के लिए क्या हो जाएगा कि व्हाट, ठीक, व्हाट के बाद व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम फिर इज का वाज हो जाएगा, जैसे द पॉलिटिशियन सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे पीपी कामा यूनिट काम हटाने के लिए यही क्वेश्चन वर्ड हु लिखा है ना तो हु को उतार देंगे, हु फिर आगे चलेंगे लिखा है हु विल वोट फॉर हिम, तो इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो हु उसके बाद वुड विल का क्या हो जाएगा वुड वोट फॉर हिम, तो चूंकि हिम हमारा किसके लिए है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज तो हु फॉर हो जाएगा, जैसे द डॉक्टर सेड टू मी तो द डॉक्टर आस्क्ड मी, फिर कामा यूनिट कामा हटाने के लिए यहां देख रहे हैं हाउ लिखा हुआ है यही हाउ हम उतार लेंगे,
हाउ ऑफन डू यू टेक टी डेली, तो हाउ काम रेड का हटाने के लिए हाउ का उसको ऐसे ही उतार लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, ऑफन लिखा है ऑफन, और ये हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। तो यू, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो मी, ऑफन के बाद आई, फिर डू डिड, डू डज का हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, तो टेक लिखा हुआ है ऑफन आई टेक का सेकेंड फॉर्म टू और टी डेली। फिर इसी तरह राम आस्क्ड सीता, काम रेड का माटा लिखने वह का प्रयोग कर देंगे, है फिर द ट्रेन विल का क्या हो जाएगा वुड एन आई। आगे है ग्रैंड मदर सेड टू हर, काम रेड का वो हाई डज द बेबी क्राई, तो ग्रैंड मदर आस्क्ड हर, भाई क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम कामरेड का मंडाने के लिए उतार देंगे, फिर द बेबी और डज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि द बेबी क्राई। आगे है इसी तरह रोशन सेड टू मीरा, तो रोशन सेड टू का हमारा हो जाएगा आस्क्ड मीरा, कामा यूनिट का हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते थे कब, जब इंट्रोगेटिव था, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड के लिए इसी को हम उतार देंगे विच, फिर आगे विच कार डू यू है, तो विच कार यू और है, तो विच कार यू है, तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो इसका क्या हो जाएगा विच कार ही है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो मीरा के अनुसार कर लेगा, तो विच कार सी है यानी कि कौन सी कार उसके पास है, चूंकि यहाँ यू है सेकेंड पर्सन, मीरा के अनुसार बदलेगा, इसीलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर आगे सी सेड टू को हो जाएगा आस्क्ड गोपाल, फिर काम काम हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे व्हाई डिड यू, यू यू सेकेंड पर्सन है गोपाल, व्हाई ही फिर डिड, तो है गो टू मार्केट। ठीक, तो ये चीज थी हमारी सीरीज का, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो पड़े तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।